वेलकम टू योर एकेडमी मुनीलाल सर. माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द सेकेंड लेसन ऑफ योर बुक फ्लेमिंगो. डियर स्टूडेंट्स, आवर टुडेज लेक्चर इज और क्लास 12. Dear students, I have already uploaded the first lecture on this topic and I have given all the introduction about Ennis Jung, who has written this story. And this story is about a rag picker named Saheb E Alam and another such boy who is also like a rag picker, but he does not pick rags, he does something else. And Mukesh is the name of that. तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम साहेब की कहानी को पूरी करेंगे, उसके बाद हम लोग मुकेश के बारे में भी पढ़ेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से आज का हमारा टॉपिक का जो रिमेनिंग पोर्शन है स्टार्ट होने वाला है. माई एक्वेंटेंस विथ द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकल. डियर स्टूडेंट्स, यहां एनिस जंग कहती हैं कि मेरा जो एक्वेंटेंस है, एक्वेंटेंस मतलब जान पहचान, किसके साथ, बेयरफुट रैग पिकर्स, नंगे पांव वाले रैग पिकर्स के साथ जो मेरी जान पहचान हुई, इसके चलते कहता है मैं सीमापुरी चली गई, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली. कहता है एक ऐसी जगह जो दिल्ली से बाहर का इलाका है, पेरिफेरी मीन्स आउटस्कर्ट्स, ठीक है, एक माइल अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकल. फिर भी कहता है, कहती है राइटर की मेटाफोरिकली जो है यह बहुत ही ज्यादा कई माइल मीलों दूर है दिल्ली, यानी उन रैग पिकर्स के लिए दिल्ली मीलों दूर है, नजदीक ऐसे तो सीमापुरी दिल्ली के पास ही है, लेकिन मेटाफोरिकली रूपात्मक रूप से, यानी रूप मेटाफर कहते हैं रूपक को, ठीक है. तो यहाँ पर कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, ये रैग पिकर्स इतने पुअर हैं, इतने गरीब हैं कि इनके लिए दिल्ली के आस पास रहते हुए भी दिल्ली दूर है, यानी वह सुख सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पा रही हैं जो दिल्ली के वैलिड सिटीजन को, इनहेबिटेंट्स को मिलती है. दोज हु लिव हियर आर स्क्वाटर्स who came from Bangladesh back in 1971. कहते हैं यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं सीमापुरी में, वे स्क्वाटर्स हैं. स्क्वाटर्स मीन्स आप कह सकते हो इलीगल इनहेबिटेंट्स, यानी अवैध निवासी, जो बांग्लादेश से आए थे वापस 1971 में. आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, there was a battle between India and Pakistan in 1971 and this was the year when Bangladesh came into existence. Saheb's family is among them. Saheb ka parivar bhi unhi mein se hai. Simapuri was then a wilderness,
कहता है सीमापुरी जो था उस समय एक वीरान इलाका था, ठीक है, नो मैन्स लैंड, इट स्टिल इज बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी। कहता है यह आज भी है सीमापुरी, विल्डरनेस ही है, वीरान ही है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन यह खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मर्ड विथ रूट्स ऑफ टीन एंड टारपोलिन, डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव 10,000 रेड पीकर्स। देखो विल्डरनेस क्यों कहा यहां पर राइटर ने सीमापुरी को, क्योंकि जब 10,000 वहां लोग रहते हैं तो कारण क्या है डियर स्टूडेंट, वहां पर कोई भी पब्लिक फैसिलिटी उन लोगों को उपलब्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप पढ़ने से आपको पता चल रहा है कि इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड यानी मिट्टी विथ रूप्स ऑफ टीन एंड टारपोलिन, और यहां पर सीमापुरी में आपको देखने के लिए मिलेगा रूप्स ऑफ टीन एंड टारपोलिन, यानी उनकी जो छत है, छावनी है, जिसको कहते हो आप छप्पर है, वह टीन और टारपोलिन का है, टीन तथा टारपोलिन, आपको कैनवास जिसको कहा जाता है, मोटा कपड़ा जैसा होता है, ठीक है, इसको आप तिरपाल भी कह सकते हैं, और डिवाइड ऑफ सीवेज, और कहता है वहां पर ये सारी चीजें नहीं है, डिवाइड विदाउट, ठीक है, विदाउट सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, ना वहां कोई सीवेज है, ठीक है, ना ड्रेनेज है, यानी कोई नाला नहीं है, ठीक है, और रनिंग वाटर, ड्रेनेज और रनिंग वाटर यानी बहता हुआ पानी के लिए, यानी मल जल निकल सके, गंदा पानी निकल सके, इसके लिए कहता है कोई व्यवस्था वहां नहीं है, ना सीवेज है ना ड्रेनेज। लिव 10,000 रेड पीकर, और ऐसी ही अवस्था में, ऐसे ही घरों में 10,000 रेड पीकर से रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 इयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी। ये लोग यहाँ 30 वर्षों से रह रहे हैं बिना किसी आइडेंटिटी की, आइडेंटिटी मीन्स पहचान, इनकी कोई पहचान नहीं है, विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट्स एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन। लेकिन कहता है विदाउट परमिट्स, बिना किसी परमिट के रहते हैं, ठीक है, कोई अनुमति नहीं है इनको यहाँ रहने की, बट विथ राशन कार्ड, लेकिन इनके पास राशन कार्ड्स हैं दैट गेट देयर नेम्स, जिसके चलते उनके नाम है वोटर लिस्ट में, एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, और जिसके चलते वे ग्रेन खरीद पाते हैं, अनाज उनको मिल जाता है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। एनिस जंग कहती है कि आइडेंटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट फूड है, भोजन है। आइडेंटिटी मीन्स मैंने बताया है आपको पहचान, यानी पहचान से ज्यादा, पहचान अधिक जरूरी नहीं है डियर स्टूडेंट्स, फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, फूड पहले चाहिए उसके बाद पहचान। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered sarees, when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers। थोड़ा लंबा सेंटेंस है डियर स्टूडेंट, ठीक से समझाता हूँ मैं आपको। कहता if at the end of the day, यानी दिन की समाप्ति पर, अर्थात रात में, यदि हमें मिल जाता है, वी कैन फूड आवर फैमिलीज, यदि हम अपने परिवारों को भोजन करा सकते हैं, एंड गो टू बेड विदाउट एन एटिंग
स्टमक और बिना पेट दर्द का सो जाते हैं, वी वुड रादर लिव हियर, तो हम लोग यही रहना पसंद करेंगे बजाय उन खेतों के, द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, उन खेतों के दैट गिव अस नो ग्रेन, जो हमें कोई अन्न नहीं देता। ऐसा कहना है ये ग्रुप ऑफ विमेन का, यानी महिलाओं के एक दल का, समूह का, इन टैटर्ड साड़ीज, ठीक है, फटी हुई साड़ियों में हैं वे महिलाएं। व्हेन आई आस्क देम, जब मैं उनसे पूछती हूँ, व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, जब मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों ने खूबसूरत भूमि जो है ग्रीन फील्ड्स और रिवर्स, यानी हरे हरे खेतों और नदियों वाली खूबसूरत जमीन को क्यों छोड़ दिया, तो यही जवाब मिलता है क्या कि भाई उन खेतों से मुझे क्या फायदा जिससे अन्न मिलता ही नहीं, ठीक है। इसलिए कहता है हम लोगों को यही पसंद है, यही रहना पसंद है, क्योंकि यहाँ कम से कम खाने को तो मिल जाता है। देखो एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एटिंग स्टमक, वी'ड रादर लिव हियर देन द फील्ड्स, कह दिया ना कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे रहते हैं। कहता है मैं यहाँ शाम को हम अपने परिवार को घर पे भोजन करा सकते हैं और बिना किसी पेट दर्द के अर्थात बिना किसी परेशानी के रात में आराम से सो जाऊं, इसलिए मुझे हमें यही रहना पसंद है, ऐसा कहना है ग्रुप ऑफ वुमेन का। व्हेनेवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, ठीक है। कहता है व्हेनेवर दे फाइंड फूड, जब कभी उनको खाना मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, तो वे क्या करते हैं, वे उनको पिच कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं कह रहा था व्हेन दे फाइंड फूड, जब उन लोगों को यानी रैट कीकर्स को भोजन प्राप्त हो जाता है, दे पिच देयर टेंट्स, वे अपने टेंट्स को खड़ा करते हैं, पिच मीन यहाँ पर इरेक्ट, खड़ा करना, अपने तंबुओं को खड़ा करते हैं, दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, जो उन लोगों का क्या हो जाता है, गुजर बसर करने के लिए ट्रांजिट होम्स, यानी टेम्परेरी होम आप कह सकते हो, और अस्थाई मकान। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और कहता है बच्चे उन्हीं घरों में बड़े होते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और बड़े होकर वे क्या बनते हैं, पार्टनर्स यानी साझेदार इन सर्वाइवल, यानी आजीविका कमाने में ये बच्चे भी बड़े होकर क्या बनते हैं, हिस्सेदार बनते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रेड पीपल, और सीमापुरी में सरवाइव करने का मतलब, गुजारा करने का मतलब है कि रैग पीकिंग, ठीक है, यानी कचरा चुनना। थ्रू द इयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, कहता है अब राइटर कहती है बरसों से जो ये रैग पीकिंग है ना, यह जो है एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, मानो यह एक फाइन आर्ट का जो है हिस्सा बन चुका है, प्रोपोर्शंस मतलब काट। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, डियर स्टूडेंट्स, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, दिस इज हाइपरबोले, ठीक है। यहां पर कह रहे हैं, राइटर कह रही है कि उन लोगों के लिए गार्बेज मानो गोल्ड जैसे, इट इज देयर डेली ब्रेड, कहता है यह मानो उनकी दैनिक, क्या है उनका दैनिक भोजन है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, मानो उनके लिए सर के ऊपर छत है। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, भले ही छत से पानी टपकता हो,
यानी लीक करता हुआ, मतलब जिसमें छिद्र होता है उसको लीक कहते हैं लीकिंग। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन बच्चों के लिए, एक बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए कहता है यह जो गार्बेज है ना कुछ और ही है। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन ए 10 रूपी नोट, साहेब सेज। देखिए साहेब क्या कहता है कि मुझे कभी कभी 1 रुपया और कभी कभी तो 10 रुपये का नोट मिल जाता है। His eyes lighting up, और उनकी आंखें चमक जाती हैं। When you can find the silver coin in a heap of garbage, you don't stop this running। कहता है जब आपको गार्बेज में चांदी का सिक्का मिल जाए, गार्बेज के ढेर में, कचरे के ढेर में यदि चांदी का सिक्का आपको मिलने लगे, यू डोंट स्टॉप स्क्रॉनिंग, तो भाई आप स्क्रॉनिंग करना यानी रैग पिकिंग करना तो छोड़ोगे नहीं। या स्क्रॉनिंग मीन्स ऐसे बेगिंग ही होता है डियर स्टूडेंट, ठीक है, तो आप भीख मांगना छोड़ दोगे, क्योंकि चांदी के सिक्के आपके पास धन हो जाएगा तो क्यों भीख मांगोगे। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और कहता है चूंकि एक बार यदि चांदी के सिक्के मिल गए तो फिर कहता उम्मीद बढ़ जाती है ना कि और मिलेगा, फाइंडिंग मोर। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। राइटर कहती हैं ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों के लिए गार्बेज का मीनिंग बड़ों से, उनके पेरेंट्स से अलग, यानी गार्बेज का अलग अर्थ रखता है दोनों के लिए, यानी गार्बेज का मीनिंग बच्चों के लिए अलग है और गार्जियन उनके पेरेंट्स के लिए, माता पिता के लिए अलग। फॉर द चिल्ड्रन, अब बच्चे के लिए क्या है भाई, इट इज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए गार्बेज मानो आश्चर्य से भरा हुआ हो, लिपटा हुआ, ठीक है। फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए तो भाई यह क्या है, ये आजीविका का साधन है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल, आजीविका का साधन। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वॉचिंग टू यंग मेन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। अब राइटर कहते हैं एक दिन विंटर की मॉर्निंग यानी चाड़े की सुबह में मैंने साहेब को खड़ा पाया, कहां पर, एक फेंस गेट के पास, यानी घेरे के गेट के पास, जो कि नेबरहुड में ही था, पड़ोस में ही था, नेबरहुड क्लब का गेट था वह। और ये बच्चे जो साहेब हैं वह क्या कर रहा था भाई, टू यंग मैन यानी दो नौजवान को जो व्हाइट ड्रेस में थे टेनिस खेलता हुआ देख रहे। आई लाइक द गेम ही हम्स, तो साहेब ने धीरे से कहा, हम बड़बड़ाते हुए, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, मानो जो इस खेल को घेरे के पीछे से देख करके ही कंटेंट है, संतुष्ट है। आई गो इन साइड व्हेन नो वन इज अराउंड ही एडमिट्स, फिर वह कहता है कि जब कोई आसपास नहीं रहता तो मैं ही अंदर चला जाता हूं। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और गेट कीपर मुझे स्विंग यूज करने दे देते, यानी मुझे झूला पर झूलने भी दे देते हैं। साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज दिस कलर्ड शर्ट एंड सॉक्स, अब साहेब भी पहन रखा है टेनिस सूज, लेकिन वह देखने में थोड़ा भद्दा सा है, क्यों, ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट, क्यों, ये जो सूज टेनिस सूज है ना, वह जो है उसको शोभा इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि उसके शर्ट डिसकलर्ड हो गए हैं, उनके रंग उड़ गए हैं, और सॉक्स जो उन्होंने नीचे सॉक्स यानी पैंट पहन रखा है वो सब डिसकलर हो चुका है। समवन गेव देम टू,
कहता यह सत और सौख जो है ना किसी ने मुझे दिया है इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, यानी वह हमें एक्सप्लेन करते हुए बताते हुए वह कहता है। ठीक है, द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड सूज फ्रॉम रिच बॉय हु परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर देम बिकॉज ऑफ कोल इन वन ऑफ डज नॉट बॉदर। अब कहता है हकीकत फैक्ट क्या है कि दे आर डिस्कार्डेड सूज, ये बेकार जूते है, रिजेक्टेड है, जिसके सम रिच बॉय कुछ अमीर किसी अमीर बॉय का लड़के का ऊपर है रिफ्यूज टू वेयर देम, जिन्होंने शायद उन जूतों को पहनने से इनकार कर दिया था बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से एक जूते में एक होल था, एक छेद था। डज नॉट बॉदर ही, कहता यह छेद उन्हें परेशान नहीं करता, इससे उसको कोई दिक्कत नहीं है, भाई जो भी तो छेद है ना। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज विथ ए होल इज अ ड्रीम कम ट्रू। राइटर कहती हैं जो आदमी बिना जूते चप्पल के चलते हैं बेयरफुट नंगे पांव चलने वाले इंसान के लिए कहता है होल वाला जूता भी मिल जाए, छिद्र वाले जूते भी मिल जाए, तो समझ लो उनका ड्रीम यानी सपना साकार हो गया, यानी किसी सपने के सच होने जैसा। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन राइटर कहती है जिस खेल को वह देख रहा है इतने गौर से साहेब, वह तो भाई उनकी पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क, आज की सुबह साहेब जो है मिल्क बूथ जा रहा था। इन हिज हैंड इज ए स्टील कनिस्टर, और उसके हाथ में स्टील का कनिस्टर है, कनिस्टर यानी एक पॉट हुआ स्टील का, इसमें मिल्क लाने जा रहा है। I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. ठीक है, दूर दिखाता हुआ कहता है वह साहेब लेखिका से कि भाई अब तो मैं एक चाय की दुकान में काम करता हूँ जो कि देखिए वहाँ दूर रोड पर है। I am paid 800 rupees and all my meals. कहता है मुझे 800 रुपये दिए जाते हैं और जो है तीनों टाइम का ऑल माई मील्स यानी हर समय का खाना जो है मुझे मिल जाता है। डज ही लाइक द जॉब आई आस्क, तो मैंने पूछा साहेब को कि काम तुम्हें पसंद है। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री, तो उनके चेहरे को मैंने देख, ठीक है, उनके चेहरे पर जो केयर फ्री लुक था यानी चिंता मुक्त जो झलक थी वह गायब हो गई, यानी वह उदास हो गया जब यह सवाल पूछा गया। क्यों कहता है साहेब द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। कहता है यह स्टील का कैनिस्टर तो मुझे प्लास्टिक बैग से भी भारी लग रहा है, क्यों वह प्लास्टिक बैग जिसको वह अपने कंधे पर कहता है बड़ी आराम से ले जाया करता था, धोया फिरता था, द बैग वॉज हिज, क्यों ऐसा क्यों कह रहा है डियर स्टूडेंट्स, वो स्टील का कनिस्टर प्लास्टिक बैग से क्यों भारी है, क्योंकि स्टील कनिस्टर Does not belong to, यह उनका नहीं था, वह तो किसी और का था ना, लेकिन ये प्लास्टिक बैग उनका अपना था, वह फ्री था। The bag was his, बैग उनका अपना था। The canister belongs to the man who owns the tea shop, और canister उस इंसान का है जो चाय दुकान का मालिक। साहिब is no longer his own master, अब साहिब अपना मालिक नहीं रहा, ठीक है, साहेब आप नौकर बन चुका है, पहले साहेब मालिक था, व्यक्ति का।
इसलिए वहां कैनिस्टर जो है प्लास्टिक का ज्यादा भारी। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल योर एकेडमी मुनीलाल सर, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इफ यू लाइक माय वीडियोस, यू मस्ट शेयर सेम टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।